आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। रेत विस्थापित मोर्चा की बैठक। रेत विस्थापित मोर्चा की बैठक खलारी के विश्रामपुर पंचायत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता बिगन सिंह भोक्ता ने किया। बैठक में मोर्चा द्वारा दिए गए 21 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। मोर्चा नेताओं ने कहा कि 21 सूत्री 8 मार्च को इनके प्रबंधन ने वार्ता के लिए बुलाया है। प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर मोर्चा पुनः आंदोलन करने को बाध्य होगी। बैठक में रंथू राव, जालिम सिंह, प्रखंड प्रमुख सोनी टिक्का, सुनीता देवी, अनीता गंजू, रामलखन के साथ कई लोग उपस्थित थे। पैर भवन में बैठक रखे गए, जो 21 सूत्री जो मांग हम लोग दिए थे सिर्फ प्रबंधक को, कल 11 बजे सीसीएल प्रबंधक ने वार्ता के लिए बुलाए हैं रेत विस्थापित के लोग किए। अगर कल हम लोग के जो 21 सूत्री मांग में वार्ता में अगर सीसीएल नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे क्रांति बनाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर उसे न मांगेंगे तो हम लोग लास्ट में बंदी भी ऐलान करेंगे। देखिए हम लोग जहाँ तक ले महाप्रबंधक से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम लोग मांग पत्र जो दिए हैं पूरा करें, अच्छा नहीं हम लोग बंद भी कर सकते हैं। इनके एरिया के रेत विस्थापित मोर्चा के द्वारा इनके प्रबंधन को 21 सूत्री मांग जो दिया गया था उस पर रेत विस्थापित मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण सभी मुद्दों पर अपने विचार गहन विचार देते हुए प्रबंधन जो कल जो बैठक बुलाई है उस बैठक में हमारा रेत विस्थापित मोर्चा का मांग पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो रेत विस्थापित मोर्चा इनके एरिया को आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। मोर्चा इनके एरिया का विश्रामपुर पंचायत के प्रतिष्ठान प्रांगण में सुंदर भवन में हुई, जिसमें विगत कुछ दिन पहले हम लोग 21 सूत्री मांग प्रबंधन को सौंपा है, जिसमें पूरी कलांचल क्षेत्र में विस्थापितों की जो समस्या है जन समस्याओं को रखते हुए यदि 21 सूत्री पर प्रबंधन सकारात्मक रूप से यदि पहल नहीं करती है तो आगे हम इस पर आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। यदि यहाँ पर नहीं होगा इनके में तो हम मुख्य कार्यालय दरभंगा हाउस भी हम लोग घेरने के काम करेंगे।